नमस्कार। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपके सिलेबस से आपसे पूछे जाएंगे जीके के 12 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा होती हैं? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 20%। क्वेश्चन नंबर 2, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ युवा में प्रति मिनट दिल की धड़कन की दर क्या है, यानी कि एक मिनट में कितने बार दिल धड़कता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान बनाने वाला पहला देश डैश है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम तनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 7, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 8, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग, यानी कि निशानेबाजी में बुल्स आई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बुल्स आई शब्द का इस्तेमाल शूटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत लोग गलत आंसर देंगे, ये शायद मुझे पता है। सही आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है, विश्व विज्ञान दिवस, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? यहां भी बहुत लोग गलत आंसर दे सकते हैं। वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है, परसेंटेज पूछ रहा है,
सही आंसर होगा, परसेंटेज की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। वहाँ लगभग 89% वनों से पूरा भरा पड़ा है आपका मिजोरम। ओके, आपके लिए एक नया सवाल है, जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।